फ्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं फिश करी बनाने वाली हूँ, जो बनने के बाद बहुत ही लाजवाब लगती है और इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और इसके लिए मैंने सामग्री इस प्रकार लिया है, तो आइए मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामग्री का यूज़ किया है। सरसों का तेल का यूज़ किया है और 3 टमाटर है मीडियम आकार का, जिसका प्यूरी बना लिए हैं। और धनिया का पत्ता है, 2 प्याज को कद्दूकस किया हुआ है, मीडियम आकार का प्याज है, और 1.5 चम्मच इसमें खसखस पिसा हुआ पेस्ट है खसखस का, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट है, 1.5 चम्मच इसमें इमली का पेस्ट है और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच कोकोनट पाउडर है। नमक स्वाद के अनुसार यूज़ करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला यूज़ किए हैं और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और सरसों का दाना और साबुत जीरा, ड्राई जिंजर पाउडर है 1 चम्मच और तीखी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है, जिसे हम बाद में चीर कर डाल लेंगे। और 750 ग्राम रोहू फिश है, इसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिए हैं। अब हम इसका मैरिनेट करेंगे। इसमें नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे और इसमें थोड़ा लाल मिर्च डाल देंगे और 1/2 नींबू निचोड़ देंगे इसमें। हल्दी, नमक और नींबू को अच्छा तरह से इसमें मिला लेंगे। अब कढ़ाई को गर्म करेंगे, सरसों का तेल डालेंगे, इतना तेल डाल देंगे ताकि फिश फ्राई हो जाए। 5 बड़ा चम्मच मेरे अंदाज से इसमें 5 बड़ा चम्मच तेल डाले हैं, और जब तेल गर्म हो जाए तभी फिश को डालेंगे और एक तरफ से ब्राउन हो जाए तब इसे हम पलट लेंगे। सरसों का तेल की जगह हम कोई भी तेल का यूज कर सकते हैं। और ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से सारे हम फिश को फ्राई कर लिए हैं, इस तरह से फ्राई हो चुका है। अब उसी तेल में हम फ़ौरन को डालेंगे। साबुत जीरा और काला सरसों को डाल दिए हैं और तेज़पत्ता को तोड़ कर डाल लिए और लाल मिर्च भी तोड़ कर डाल दिए हैं। और जब फ़ौरन फूट जाए तब इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज का जगह हम कद्दूकस प्याज किया हुआ प्याज की जगह हम पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा प्याज भून जाए, 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर प्याज को भून लेंगे, तब इसमें हम लहसुन का पेस्ट को डाल देंगे। 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिए। अब इसका रॉ स्मेल चला जाए तब तक हम भूनेंगे। 2 मिनट के अंदर मीडियम फ्लेम पर इसका रॉ कच्चापन जो है वो हट जाएगा। और इस तरह से देखिए भून गया है लहसुन भी। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, जो भी सूखे मसाले हैं वो डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, तीखी वाली है, और काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डाल देंगे, ड्राई जिंजर पाउडर है, इसकी जगह हम अदरक का भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और कश्मीरी मिर्च है। अब मसालों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। लहसुन भून गया है, अब ये सूखे मसाले भूनने में टाइम नहीं लगेगा, इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक ही भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर का प्यूरी डाल देंगे। टमाटर का प्यूरी हमें चलाते चलाते पूरा उसको सुखा देना है, पूरा सूख जाएगा ये मसाला, पूरा इस तरह से देखिए सूख गया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें पिसा हुआ खसखस का पेस्ट डाल देंगे, इमली का पल्प डाल देते हैं, ड्राई कोकोनट पाउडर डाल दिए और इसे चला लेंगे, और गरम मसाला भी डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं इसमें, ताकि इसका खुशबू इसमें चले जाए। इस तरह से सूख गया मसाला, तो थोड़ा पानी डाल देंगे हम, इस तरह से सुखा लेंगे पानी डाल करके, 2 से 3 मिनट लगेगा। उसके बाद हम और पानी डाल देंगे
मसाले भुनने के बाद ग्रेवी के हिसाब से हम पानी डालेंगे और इसमें हम कटे हुए हरी मिर्च डाल देते हैं और जब बॉईल आने लगे तो हम फिश के पीसेस को डाल देंगे। इस तरह से हमें पानी करी के हिसाब से लेना है और फिश के हिसाब से भी, और ढक देंगे। इस तरह से पूरा फिश रोहू फिश करी बनकर के तैयार है। पूरा ग्रेवी अच्छा से इसमें सोख लिया है और हम चाहे तो इसे रोटी चावल के साथ सर्व करेंगे गर्मा गर्म। इसमें थोड़ा हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। और आज का ये वीडियो आपको फिश करी का कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।